कि हमारे पास जो सरकारी सेवा है या सरकारी नौकरी उसकी संख्या एक सीमित है लिमिटेड है लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि उस सरकारी सेवा की ओर सबका ध्यान है और सरकारी सेवा पारदर्शी होनी चाहिए उसकी नियुक्ति प्रक्रिया साफ सुथरी होनी चाहिए लंबे समय से ये चल रहा था कि 15-16 से लगातार कभी इस भर्ती में घोटाला कभी उस भर्ती में घोटाला कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाता था कभी पेन ड्राइव से नकल करवा दी जाती थी कभी पेपर फिक्स हो जाता था क्वेश्चन बैंक भी आउट हो जाता था अब ये प्रकरण हमारे सामने भी आया पिछले वर्ष कुछ विद्यार्थी गण आए मेरे सामने भी तो मैंने उनसे कहा कि हम इसकी प्रारंभिक रूप से जांच करवाते हैं और जांच करवाई खुले मन से जांच करवाई क्योंकि आ, मैं जानता हूं कि गरीब माता पिता के बेटे और बेटी के पास अगर कोई पूंजी होती है तो वो केवल शिक्षा होती है और इसमें से आ, जो मंच पर बैठे हैं और नीचे बैठे हैं, सामने बैठे हैं बहुत सारे लोगों को जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उन्होंने इसी शिक्षा के आधार पर एक मुकाम तय किया है विभिन्न स्थानों को प्राप्त किया है और वो शिक्षा पर ही अगर इस प्रकार का मैं कहूं डकैती पड़ जाए लूट हो जाए धोखा हो जाए तो कुछ बचेगा नहीं और यह हमने निर्णय किया कि चाहे कुछ भी हो थोड़ा कठिन काम था कठिनता थी इसमें लेकिन मैंने कहा कि अब एक बार हमने जांच करवाने का निर्णय ले लिया है तो अब किसी भी कीमत पर हम इससे पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये हमारे बच्चों का बेटे बेटियों के भविष्य का प्रश्न है और इसमें साठ से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई साठ से ज्यादा लोग अभी भी कहीं ना कहीं न्यायालयों में या उनके मामले चल रहे हैं जेलों में हैं, चूंकि अब न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है वो इसलिए न्यायिक प्रक्रिया चल रही है अभी इधर भी कुछ एक नया प्रकरण आया कि अभी ये पटवारी भर्ती में गड़बड़ी है फिर जेईई की भर्ती में गड़बड़ी तो हमने कहा भाई जो भी गड़बड़ी है ये तो एक कैंसर है अब इसमें ये सोचना नहीं है कि कौन मैं जानता हूं कि कुछ लोग जो है चूंकि जिसमें हम लोगों का कोई लेना देना भी नहीं है दूर दूर तक लेकिन फिर भी चूंकि राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां और कई लोगों को मौका मिलता है कि नौजवानों का मौका है तो इस बहती गंगा में हाथ धो लो तो वो नौजवानों को कई तरह से आगे करके अपने चीजों को आगे करते हैं तो भाइयों बहनों ये हमने निर्णय लिया कि अब हम जो जो भी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी है उसको जो है ठीक करेंगे और पटवारी की भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो एक महीने का समय देकर एक महीने के अंदर ही हम दोबारा जो है इसकी भर्ती को फिर से करवाएंगे क्योंकि इसके पीछे हेतु था कि जो सरकारी नौकरी में जाने वाले बच्चे हैं हमारे बेटे बेटी उनको उनका समय बर्बाद ना हो और 11 जनवरी को हमने इसका निरस्तीकरण का आदेश किया यहाँ से निर्णय लिया और हमने उसी दिन यह भी निर्णय कर लिया कि 12 फरवरी को ये परीक्षा करवाएंगे और 12 तारीख को ये परीक्षा करवाएंगे जिन बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया है उनसे अब दोबारा कोई शुल्क सरकार नहीं लेगी आयोग नहीं लेगा और इतना ही नहीं इसके साथ साथ बसों में जो हमारी परिवहन निगम की बसें हैं उन बसों में कोई किराया भी नहीं लिया जाएगा और इस बीच हमने यह भी तय किया कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर सबसे जो सख्त नकल का अध्यादेश है वह लेकर आएंगे क्योंकि ये बहुत कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं ये गड़बड़ियां रुक नहीं रही थी इसलिए सख्त नकल का अध्यादेश हम लाए और कल मैंने उसका अपनी तरफ से अनुमोदन कर दिया है और महामहिम राज्यपाल को भेज दिया है कि अब जल्दी ही महामहिम की जैसे ही उसमें हमको स्वीकृति मिल जाएगी तो वो एक कानून के रूप में अध्यादेश के रूप में उसको मान्यता मिल जाएगी और उसमें हमने कठिन प्रावधान किए हुए हैं दस साल तक की कैद और जो भी इसमें शामिल होंगे समस्त धाराएँ आपराधिक होती हैं वो सब उन पर लगाई जाएंगी इतना ही नहीं उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी और जो भी अभ्यर्थी उसमें शामिल होने वाले होंगे आने वाले समय में अगले दस वर्षों तक वो किसी परीक्षा में पर भाग नहीं ले पाएंगे तो भाई बहनों ये चूंकि ये विषय नहीं था यहाँ पर लेकिन डॉक्टर अनिल जोशी जी शायद यह चाहते थे कि आप सब विद्वानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच में ये बात अवश्य जानी चाहिए कहने का अर्थ यह है कि सरकारी नौकरियां सीमित हैं इन सरकारी नौकरियों से काम चलने वाला नहीं है काम तब चलेगा जब हम अपने युवा नौजवान युवा भाई बहन उन सबको कहीं ना कहीं जिसके लिए गणेश जोशी जी कह रहे थे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारे बगुली जी कह रहे थे स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यमों से जो वो रोजगार कर सकते हैं उस रोजगार को बढ़ा सकते हैं रोजगार के क्षेत्र में काम कर सकते हैं और केवल वो रोजगार मांगने वाले न बने बल्कि आने वाले समय में भविष्य में वो रोजगार देने वाले बने इसके लिए हम सबको काम करना होगा मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और ये जो हमारा तीन दिन का ये कार्यक्रम है जिसमें विचार मंथनों के माध्यम से बहुत सारी श्रेष्ठ बातें बहुत सारी ऐसी बातें जिन सबके कारण से हमारे राज्य के नौजवानों को युवाओं को हमारे अंतिम क्षेत्र में रहने वाले भाई बहनों को भी कहीं ना कहीं इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा और वह भी मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे आज मुझे